युद्ध आइकन के रूप में जाने जाने वाले शोकरण पोटलिया को इस बार कांग्रेस से जिला परिषद की 23 नंबर सीट पर उतारा गया है। शोकरण पोटलिया गाँव में मतदाताओं से संपर्क करते हुए घूम रहे हैं। अगर इनकी बात करें कि यूथ आइकन ये क्यों माने जाते हैं, तो NSU का चुनाव ये लगभग लंबे समय से SBD कॉलेज में लड़ाते रहे हैं और अच्छा परिणाम भी इन्होंने दिया है। और यूथ कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं और यूथ कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष का भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस से ये लगातार जुड़े रहे। कांग्रेस से जुड़े रहने के बावजूद ये विधायक भंवरलाल शर्मा के खेमे में नहीं रहे और भंवरलाल शर्मा के खिलाफ रहे, लेकिन कांग्रेस में रहे। अब पिछले लगभग विधानसभा चुनाव से पहले ही भंवरलाल खेमे में चले गए और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर इतनी पकड़ कर ली कि इनको बहुत जल्दी ही अन्य कार्यकर्ताओं की अपेक्षा टिकट दिया गया है और इनका प्रभाव इतना रहा है, भंवरलाल शर्मा को प्रभावित करने में इतने सफल रहे हैं कि ये अपने साथी राकेश सारण की माताजी को भी टिकट दिलाने में सफल रहे हैं। अनेक अपने साथियों को टिकट दिलाने के बाद अब की बार जो कांग्रेस की टीम है वो यूथ उम्मीदवारों के रूप में सामने आ रही है। तो हम शोकरण जी पोटलिया से बात करते हैं। शोकरण, हमें आप ये बताइए कि आप कांग्रेस में रहे लेकिन भंवरलाल शर्मा के खिलाफ लंबे समय तक रहे, वो क्या कारण था? और अब भंवरलाल शर्मा के साथ आ गए, उसके बाद आपने बहुत जल्दी भंवरलाल शर्मा का दिल जीत लिया, ये किस प्रकार थे? देखिए सर, मैं कांग्रेस में रह के मैंने काम किया। NSU से मैंने 2005 से छात्र राजनीति की शुरुआत की, लेकिन मैं कभी भंवरलाल शर्मा के कभी विरोध में वैसे नहीं रहा। हाँ, वो संगठन का मैं हम छात्र राजनीति करते थे और हमारे यहाँ पंडित जी हमारे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता थे। हमारी थोड़ी बहुत वो आपसी मनमुटाव था, इसकी वजह से मैं थोड़ा कॉलेज में राजनीति में थोड़ा वो NSU में मेरा वो मेरे जो संगठन प्रदेश लेवल की जो राजनीति थी उसमें मेरी थोड़ा पकड़ थी। मेरे वो जिला लेवल पर और प्रदेश लेवल पर मेरे संगठन के कार्य जो नेतृत्व करने वाले लोग जीते, इस वजह से मैंने हमेशा काम किया कांग्रेस पार्टी की। और NSU जो हमारा छात्र संगठन है, हमेशा हमने NSU कांग्रेस की बात की। राहुल गांधी के जो विचार थे, राहुल गांधी जी के जो सपने थे, हमारे धरातल पर काम जो करने का जो सिस्टम था राहुल गांधी जी के जो विचारों के अनुरूप, वो हमने धरातल पर काम किया, कांग्रेस की बात की। तो धीरे 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 हमारे संगठन में ही वो थोड़ा बहुत पंडित जी को, हमारे विधायक जी को किसने कह दिया कि ये ठीक है ये नहीं है, लेकिन बाद में हमारे विधायक जी को ये महसूस हुआ कि ये धरातल पर कार्य काम करने वाला कार्यकर्ता है, इसको अपने साथ लेना चाहिए। और मैं तो चाहता ही था, मैं तो 2008 में जब मैं NSU का सदारशहर का तहसील अध्यक्ष बना, तो उसमें थोड़ा क्या हुआ कि हमारे थोड़ा अब हो गया पंडित जी ने मेरा थोड़ा वो कहा कि ठीक है, मेरे दूसरा जो नेता थे छात्र नेता थे उनको थोड़ा अहमियत दे दिया, तो मैं वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया। तो नाराज़, लेकिन मैंने हमेशा NSU कांग्रेस की बात की। मैंने कभी सार्वजनिक जगह पर मैंने पंडित जी का कभी विरोध नहीं किया, व्यक्तिगत मेरा कभी पंडित जी से कोई विरोध रहा नहीं। मैं तो वो एक संगठन के तौर पर ही मेरा थोड़ा बहुत मनमुटाव था, लेकिन अब वो है नहीं। मैंने कभी हमेशा मैंने कांग्रेस संगठन के लिए विश्वास के रूप में कार्य किया। वो तो पंडित जी को प्रभावित हुआ, कार्यकर्ताओं ने हमारे कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि ये कार्यकर्ता है साथ लेना चाहिए। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ पंडित जी ने मेरी बात मेरे पे विश्वास जताया और थोड़े टाइम में ही मेरे संग मुझे महत्व देते हुए और आज मैं संगठन में भी मेरा ठीक है और पार्टी में भी मेरा भी मान सम्मान बढ़ा है। और पंडित जी की भी यूथ में जो टीम है वो भविष्य में भी हमारी सरदारशहर की कांग्रेस की टीम को फ़ायदा मिलेगा और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। राजनीति में मनमुटाव होते रहते हैं, विरोध और समर्थनों का दौर भी चलता रहता है, कभी समर्थन हो जाता है कभी विरोध हो जाते हैं। कांग्रेस के लोग भी रात के रात BJP में चले जाते हैं, BJP के भी कांग्रेस में आ जाते हैं, ये सब संभव है राजनीति के अंदर। राजनीति में सब कुछ संभव माना जा सकता है। आप भंवरलाल शर्मा से दूर रहे और काफ़ी जुझारू और संघर्षशील माने जाते हैं। आपने NSU की टिकटों के लिए भंवरलाल शर्मा ग्रुप जिनका नेतृत्व भंवरलाल शर्मा कर रहे थे और आप एक अलग यूनिट का समर्थन कर रहे थे, उसमें टिकट आपको मिली, तो इस जुझारूपन से हम आपके वाकिफ़ हैं। तो आप ये बताइए कि भंवरलाल शर्मा को आपने जब दूर से देखा
और आपका बमलाल शर्माकार आपका ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं थी, तो युद्ध NSUI के दौरान भी आपका संघर्ष और जदोजहद चलती रहती थी, आपने अपने समर्थकों को जिताया भी और टिकट भी दिलाई थी। पास में जाने के बाद में भी आपको लगभग 4-5 साल हो गए हैं बमलाल शर्मा के, तो यहाँ भी आपने इतनी बड़ी जीत दर्ज कर ली कि आपसे पहले भी बहुत आपके सीनियर कार्यकर्ता थे, उनकी अपेक्षा आप पे बमलाल शर्मा ज़्यादा विश्वास दिला रहे हैं, तो दोनों बातों में क्या अंतर है, ये पंडित जी की बात आप बताइए। देखो सर, मैं तो ये मानता हूँ राजनीति में खुद का अपना स्थान होता है, वैसे तो टीम के रूप में लोग काम करते हैं लेकिन खुद की पहचान अपने खुद को साबित करना पड़ता है। पंडित जी की मेरे जो जितने भी रिश्तेदार थे या मेरा जो ग्राउंडली जो मेरे वर्कर थे या मेरे जो वोटर थे या मेरे जो कार्यकर्ता टीम थी, वो पंडित जी के काफ़ी नज़दीक थे हमेशा से। और 2008 में मेरे रिश्तेदार थे बालू राम जी जाखड़े, वो कांग्रेस के देहाध्यक्ष थे, तो मेरे जो लोग थे या मैं जिनसे लोगों से जुड़ा था वो पंडित जी से जुड़े हुए थे। वो एक मनमुटाव वाली सी बात थी, हमारा वैसे कोई विरोध नहीं था, उनके कोई दिमाग में थोड़ा किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो मेरे क्या रमेश जी पुटलिया, उसमें रमेश जी की पंडित जी की आपस में थोड़ी चल रही थी, तो पंडित जी के ये हो गया कि ये पोटलिया है इस वजह से हो सकता है अपने, तो वो बाद में धीरे धीरे उनके को क्लियर हो गया कि ये मेहनती बंदा है, काम करने विश्वास पात्र है, जहाँ भी रहता है विश्वासी है, ये कोई गलत है नहीं, तो हमारा हो गया। और मैं तो हमेशा धरातल पर रह के गांव गलियों का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी किसान है तो मैं हर गांव के विद्यार्थियों की हमेशा, मैं तो 2005 में मैं खुद 10 दिन भूख हड़ताल पर रह के मेरी राजनीति वहीं संघर्ष से शुरू हुई, मैं खुद 10 दिन आमरण अनशन पर बैठा था बीकानेर वसुंधरा सरकार के समय में, 500 रुपया फीस हमने कम करवाई थी प्रत्येक स्टूडेंट की, तो हमने बहुत बड़ा संघर्ष भी किया छात्र राजनीति में, और हर चीज़ को हम नज़दीकी से धरातल की बात को हर चीज़ को हम समझते हैं, तो हमें वही फ़ायदा मिला। आज मैं कोई धरातल ये कोई ऊपर की हवाई राजनीति करने वाला छात्र नेता रहा नहीं, मैं तो हमेशा धरातल पर गांव गरीब की रोड पर रहने वाला, आज भी मैं रोड पर ही रहता हूं, मेरे वो नेतागिरी वाली बात तो है नहीं, तो वो फ़ायदा मिलेगा आप अगर जीता संघर्ष करोगे जनता की। ये राजनीति का अर्थ यही है, एक जनता की सेवा करना, लोग राजनीति की परिभाषा समझते नहीं है, नेतागिरी करते हैं सरपंच बनते हैं या पंचायत समिति जिला परिषद बनते हैं, बनने के बाद वो हवाई नेता बन जाते हैं, लेकिन उनको राजनीति का अर्थ ही कोई धन कमाना, लोग इसकी परिभाषा दूसरी ले गए राजनीति की कि नेता बनने के बाद पैसे कमा लेंगे, लेकिन राजनीति की परिभाषा लोग अपने हिसाब से समझते हैं। आपने NSUI में बहुत से चुनाव जीते हैं, इससे यह पता चलता है कि चुनाव जीतने की आप में कला है, लेकिन आपने पंडित जी का दिल भी जीता, तो ये दिल से बताइए कि पंडित जी का दिल जीतने की वो कौन सी खूबियाँ रही कि आज आप इस स्तर पर है कि आपको पहले चुनाव में जिला परिषद का टिकट दिया जाता है, आपके मित्रों को भी आप जिला परिषद का टिकट दिला देते हैं, अपने मित्रों को आप पंचायत समिति का भी टिकट दिला लेते हैं, तो पंडित जी का दिल जीतने की जो कला, ये दिल से बताइए। सर, दिल जीतने की बात है वही है, बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने जो काम किया ना धरातल पर रह के, मेरे साथ हजारों की तादाद में सदार शहर में चुरू जिले में यूथ की टीम जुड़ गई, और जो मेरी टीम थी वो पंडित जी के भी नज़दीक थी, कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने कहा ये शिवकरण जो है ना पोटलिया, ये वास्तव में धरातल पर काम करने वाला बंदा है, ये अच्छा इनका व्यवहार है, संघर्षशील है, ये किसी के साथ दगा करने वाला या किसी हमारे कॉलेजों में पहले सिस्टम था कि अध्यक्ष लड़ाते, उपाध्यक्ष लड़ाते, महासचिव लड़ाते, तो महासचिव है वो उपाध्यक्ष को वोट नहीं करवाता, कास्ट वाइज चुनाव होते। मैंने क्या किया वहाँ कॉलेज में जो राजनीति, मैंने 11 चुनाव लगातार कॉलेज में SPT कॉलेज में छात्र नेताओं को लड़वाए, तो मैंने वो प्री पार्टी थी ना वो कि पांड्या ने जाट को वोट नहीं दिया, जाट ने मेघवाल को वोट नहीं दिया, हमारे पैनल में 4 कैंडिडेट होते थे, चारों को मैंने ऐसा सिस्टम बनाया कि चारों हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं, ये नहीं था कि इस पांड्या को वोट नहीं देंगे, जाट को नहीं देंगे, मेघवाल को नहीं देंगे, हमारा सिस्टम ये था कि पूरा पैनल होता था NSUI का, और पैनल के रूप में मैंने कभी मेरे जीवन में 10-11 सालों में मैंने एक भी कैंडिडेट को ये महसूस नहीं होने दिया कि ये जाति कास्ट चुनाव है वो जातिवाद पर भी होते हैं। तो हमारी टीम के रूप में सब लोगों को साथ लेकर चलने की जो टीम थी बड़ी सदार शहर में, हमने बहुत बड़ी टीम खड़ी की, वही विश्वास पंडित जी को जो नेतृत्व आता है वो चीज़ें तो देखते ही हैं। कार्यकर्ता देखो, राजनीति में कार्यकर्ता बहुत संघर्ष करने कार्यकर्ता। अब आप पंडित जी की कोर कमेटी टीम में माने जाते हो, 25 ब्लॉक की सीटों पर और 5 जिला परिषद की सीटों पर है, ये आपकी मंत्रणा होती रहती है, किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, कितनी सीटें जीतने की मतलब लगभग जीत चुके हैं, वोटों का ज़्यादा मार्जिन है और कितनी टक्कर में?
देखिए सर, जिला परिषद में मैं हमारी टीम, वही मैं बता रहा हूँ, यूथ की टीम थी, मैं राकेश सरण की आप कह रहे हो, मेरे यूथ का नगर अध्यक्ष रहा और मेरी टीम का ही रहा। तो मैंने हमने पंडित जी को सुझाव दिया कि ये ठीक है, ये इसका प्रभाव है गांव में, ये मेरे साथ 10-11 सालों से इस लड़के ने काम किया है, टीम इसकी अच्छी है, हमें फ़ायदा मिलेगा, जीताऊ कैंडिडेट है। तो हमने अनिल जी को भी ये बातें बताई, ये तो हमारी बात को सुना गया और ब्लॉक जो चुनाव थे वो भी है हमारे चर्चा। देखो हम कार्यकर्ता है, मेहनती है, संघर्ष करते हैं, हर चीज़ वर्कर लोगों के बीच में रहते हैं, तो बात तो सुनी जाती है कार्यकर्ता की, तो सुनते ही नेता कार्यकर्ता की सुनते हैं, वही नेता होता है। और वो पंडित जी में गुण है, पंडित जी हमेशा नेता कार्यकर्ता की सुनते हैं बात। सरदार शहर में यही है, पंडित जी की जो मुख्य जो पंडित जी का है वो क्या स्थिति है सीट सर? आप ये मानो कि सरदार शहर में अचंभित रिजल्ट आएगा, जिला परिषद प्रमुख और प्रधान कांग्रेस का बनेगा, ये शोर मानो यूथ है। हम जो जा रहे हैं, हमारी टीम भी पूरी राष्ट्र सरदार शहर में पूरी टीम सक्रिय है, और ये मानो कि मजबूत में ये दावे के साथ कहता हूँ, सरदार शहर में प्रधान कांग्रेस का बनेगा और जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा। प्रधान की दौड़ में और जिला प्रमुख की दौड़ में किसे मानते हैं सर? वो पार्टी का है, पार्टी अब चुनाव हो रहे हैं, जो सीटें आई पहले सीटें आएंगी, रिजल्ट आने के बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व जो तय होगा वही होगा सर, वही ये पहले से आपके 30 साथी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, आप भी लड़ रहे हैं जी। अपने आप की प्रमुखता के साथ बताइए, आप किन मुद्दों को चुनाव लेकर लड़ रहे हैं सर? मुद्दे तो हमारा पब्लिक के बीच में रहते हैं, ये जो मूल आधार जो मुद्दे हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, गांव में हम स्कूलें, अब आपने देखा है मेरे गांव में, खुद के गांव में पंडित जी ने 10वीं का स्कूल करवाए, और भी सरदार शहर में बहुत सारी स्कूलें हैं जो अब इस ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद 10-12 स्कूलें अभी कर्मोन्नत हुई है। कुछ स्कूलें ऐसी है जैसे साइंस डिपार्टमेंट है या कॉमर्स डिपार्टमेंट, गाँव में जो 10वीं मिडिल से जो सीनियर स्कूलें हैं वो कर्मोन्नत हुई है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, तो बहुत कुछ शिक्षा क्षेत्र में हुआ है। और हमें ये गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है ये स्वास्थ्य की समस्या है, बहुत सारी PHC CHC ये भी हमारा बड़े जो गांव है उनमें खुलेगी, आप देखना 3 सालों में जो वो हमारा कार्यकाल रहेगा उसमें, गांव में रोडों की कुछ समस्या है, बहुत रास्ते बहुत कठिन है, और रास्ते भी अगर हमारे सरकार है और आप देखना जिला प्रमुख और प्रधान हमारा बना, तो आप काम देखना पिछली गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में आप खुद मान जाओ कि अंतर साफ दिख जाएगा। पिछली जो पंचायत समिति का कार्यकाल रहा वो कैसा कार्यकाल रहा, उसमें क्या बढ़ाया जाएगा सर? पिछली पंचायत समिति में तो आप हकीकत में जो बीजेपी के मैं तो ये कहना चाहूँगा, बीजेपी में जो मेन कार्यकर्ता जो ईमानदार लोग थे पिछली पंचायत समिति में, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आप उनसे कार्यकर्ताओं को पूछ लेना जो बीजेपी में जो मुख्य रूप से जो कार्यकर्ता थे, जय सुखराम जी बाना साहब है, बहुत सीनियर नेता रहे, आप उनसे, मैं व्यक्तिगत कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, उनसे जैसे लोगों से भी पूछ लेना, आप व्यक्तिगत पूछ लेना, वो सार्वजनिक तो कैसे बोलेंगे सर, पार्टी का होता है, वो पार्टी में काम करते हैं, लेकिन सुखराम जी बाना साहब जैसे लोगों से आप पूछ लेना, वो लोग भी आपको कहेंगे कि पिछली बार जो पाँच साल पंचायत समिति, ये समझो कि ये छोर छिंडों वाली पंचायत समिति रही, उस पंचायत समिति में कोई मेच्योरिटी ये ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मेच्योर कोई प्रधान कुर्सी पर बैठा है और वो आम पब्लिक की आम किसान की कोई बात करता हो, काम करना की बात दूसरी बात है, लेकिन यही नहीं रहा कि कोई पंचायत समिति में गांव का किसान या आम आदमी या कोई इज्जतदार आदमी, मैं ये कहूँगा कि वो गया और उसको बैठने के लिए कुछ उसको कुर्सी मिली हो, उसको मान सम्मान मिला हो, हर आदमी मतलब अपने को ठगासा महसूस किया उन्होंने मान सम्मान को लेकर, विकास की बात तो बाद में कोई विकास कार्य हुए नहीं, सिर्फ 15-20 लोगों की वो टीम रही, वो जुगली मान लो कुछ भी मान लो, सिर्फ उन्होंने अपना खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति किए, व्यक्तिगत लाभ सब लोगों के लाभ मिला सब लोगों को। पिछले कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है, उसको आप ठीक नहीं मानते हैं, अगर आप जीते तो अपने क्षेत्र के लोगों की किस प्रकार आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए किस प्रकार संघर्ष करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को बताइए। जी बिल्कुल, मैं सर दावे के साथ कहता हूँ संजय भाई साहब आपको कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, पंचायत समिति बनी, तो ये जो पीछे इन्होंने 5 सालों में जो राजनीति की ना, वो राजनीति हम सरदार शहर में नहीं करेंगे, बिल्कुल गांव के गरीब के कमज़ोर लोगों को जो विकास की बात है वो विकास की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे नहीं, हमारा काम होगा, हम दावे के साथ कहते हैं हम धरातल पर रहकर काम करने वाले लोग हैं, हम मजबूत, और अगर हमारे पीछे कोई कमी रही है वो भी हम सुधारेंगे, और आम आदमी की विकास की शिक्षा की
और स्वास्थ्य की वो बातें हमारी प्रमुखता से रहेगी। ये थे शोकरण पोटलिया, इन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, इन्होंने LLB डिग्री भी कर रखी है, ये अभी अधिवक्ता है सरदार सर कोर्ट के अंदर, ये प्रैक्टिस करते हैं। निश्चित रूप से ये अगर जीते तो अपने मुद्दे उठाएंगे और चुनाव जीतने की और संघर्ष करने की कला इनमें है, लेकिन ये बड़े स्तर का जिला परिषद का चुनाव, जिसे मिनी विधायक का चुनाव कहा जाता है, ये इनका पहला चुनाव है। पंडित जी का साथ और हाथ पर विश्वास को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि मतदाताओं को ये कितना प्रभावित कर पाते हैं और मतदाता इन पर कितना विश्वास जताते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा।